आप लोगों का पढ़ाई वाला चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी ईमेल आईडी दी हुई है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो हमारा चैनल दिखाए तो आप हमें ईमेल या कमेंट करके जरूर बताएं। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए अब और देर ना करते हुए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करें 9th क्लास में और कौन कौन सी बुक्स ले सके हम एग्ज़ाम में जिससे हमारे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ सकें। तो पहले नंबर पर हम साइंस को देखते हैं जो कुछ बच्चों को बहुत ही पसंद होता है और कुछ बच्चों को बहुत ही डराता है। सबसे पहले हम उन बच्चों के लिए बात करते हैं जिन बच्चों को से पास होना है, तो उनके लिए एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चंस काफ़ी है और प्लस सपोर्ट मटेरियल से क्वेश्चन आंसर्स जरूर कर लीजिए। एनसीईआरटी और सपोर्ट मटेरियल करके भी आप पास हो सकते हैं, आपको और कुछ नहीं चाहिए पास होने के लिए, इतना काफ़ी है। दूसरे नंबर पर वो बच्चे आते हैं जिनको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स चाहिए होते हैं, तो उनके लिए भी हमारे पास कुछ किताबें हैं। एनसीईआरटी तो बेटा सबके लिए, तो एनसीईआरटी तो आपको भी पढ़नी पड़ेगी। लेकिन दूसरे नंबर पे बुक आती है वो यू लाइक एक बहुत ही अच्छी बुक है। यू लाइक से आप पढ़ करके 90-95 मार्क्स बहुत ही ईजिली गेन कर सकते हो क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं आपके। नेक्स्ट बुक है एग्ज़ाम आइडिया। एग्ज़ाम आइडिया भी बहुत अच्छी बुक है, इससे आप कम समय में ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और आपके पास समय कम हो और पढ़ने के लिए भी ज़्यादा हो और मार्क्स भी अच्छे चाहिए तो एग्ज़ाम आइडिया को ज़रूर अपनाइए। साइंस के लिए लास्ट बुक है लखमीर सिंह। लखमीर सिंह वो बुक है जो आपके आगे चल के बहुत ही हेल्प करने वाली है क्योंकि इस बुक में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है और ये बुक आपको आगे चल के कॉम्पिटिशन क्रैक करने में भी बहुत हेल्प करेगी। अगर आप 10th के बाद साइंस चाहते हैं, साइंस से कैरियर बनाना चाहते हैं तो लखमीर सिंह को ज़रूर अपनाना, और अगर आप 10th के बाद साइंस नहीं चाहते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है लखमीर सिंह खरीदने की, सिर्फ और सिर्फ यू लाइक पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और यदि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ने का मन कर रहा है तो आप एग्ज़ाम आइडिया भी पढ़ लीजिए, लेकिन लखमीर सिंह मत खरीदना अगर आपको 10th के बाद साइंस नहीं चाहिए तो। अब हम आते हैं दूसरी बुक मैथ्स, जिसके नाम से ही कुछ बच्चे डरते हैं और कुछ बच्चे तो फुल फॉर्म भी बताते हैं उसकी कि मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है और कुछ बच्चे मैथ्स में टॉप करना चाहते हैं लेकिन शायद उन्हें उनको बुक्स का नाम पता नहीं होता इसलिए शायद वो कर नहीं पाते। तो आइए आज हम जानते हैं कि मैथ्स के लिए हम कौन कौन सी बुक्स लें जिससे हमारे अच्छे मार्क्स आ सके, और दूसरे उन बच्चों के लिए भी बात करेंगे जो मैथ्स में से पास हो सके, जो पास होना चाहते हैं सिर्फ। अगर आप मैथ्स में पास होना चाहते हैं तो एनसीईआरटी काफ़ी है, एनसीईआरटी की ही आप 3-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके। और कुछ नहीं चाहिए मैथ्स में पास होने के लिए, सिर्फ 3-4 बार मैथ्स के हर चैप्टर की प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। अब वो बच्चे आते हैं जो मैथ्स में टॉप आना चाहते हैं क्लास में, तो उनके लिए भी कुछ बुक्स हैं हमारे लिए। नंबर वन तो एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी तो आपको भी करनी पड़ेगी। सेकंड बुक है यू लाइक। यू लाइक बहुत ही अच्छा सैम्पल पेपर है, आप मैथ्स की यू लाइक लगाइए, मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। एंड थर्ड बुक है आर डी शर्मा से आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। अगर आपके पास यू लाइक नहीं है तो आर डी शर्मा से भी काम चल जाएगा। अब हम दूसरी बुक हिंदी के ऊपर आते हैं। हिंदी के लिए आपको कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यदि आप सिर्फ पास होना चाहते हैं तो हिंदी की बुक काफ़ी है और साथ में सपोर्ट मटेरियल कर लीजिए, और कुछ नहीं चाहिए, इतने से ही आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। दूसरे उन बच्चों के लिए बात करते हैं जिन्हें टॉप आना होता है हिंदी में, उनके लिए भी हमारे पास बुक्स हैं। हिंदी की एनसीईआरटी आपके लिए भी है, दूसरी बुक है यू लाइक और हिंदी की एनसीईआरटी बुक काफ़ी है और कुछ भी नहीं चाहिए। यू लाइक सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने के लिए है, यू लाइक में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी है यू लाइक, और कुछ मत लगाइए। अब हम आते हैं अपनी दूसरी बुक संस्कृत के ऊपर। बेटा संस्कृत में अच्छे नंबर लाने के लिए
बहुत ज़्यादा बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हम पहले उनके लिए बात करेंगे जिनको सिर्फ संस्कृत में पास होना है, वो सिर्फ NCERT कर लीजिए और सपोर्ट मटेरियल कर लीजिए, आप पास हो जाएंगे। अब उन बच्चों के ऊपर आते हैं जिनको बहुत ही अच्छे मार्क्स चाहिए, आप संस्कृत की NCERT करिए, यूलाइक करिए और एक एक्स्ट्रा बुक लगाइए टुगेदर विद। इन तीनों बुक से आपको कोई नहीं हरा सकता क्लास के अंदर। अब हम SST के ऊपर आते हैं, तो सबसे पहले उनके लिए जिन बच्चों को सिर्फ पास होना है तो वो तो सिर्फ NCERT के हर एक चैप्टर की 3-4 बार रीडिंग कर लीजिए और सपोर्ट मटेरियल से पढ़ लीजिए, बस आप पास हो जाएंगे। अब हम उनके ऊपर आते हैं जिनको अच्छे मार्क्स चाहिए, तो उनको कुछ बुक्स लगानी पड़ेगी और उनके लिए भी कुछ बुक्स हैं हमारे पास। NCERT तो सबके लिए है, तो NCERT तो आपको भी पढ़नी पड़ेगी। दूसरी बुक है यूलाइक। यूलाइक SST की बहुत अच्छी है। यूलाइक पढ़ने के बाद आपके 90+ मार्क्स आते हैं। एंड सेकंड बुक है कुंद्रा बाबा। कुंद्रा बाबा उन बच्चों के लिए जिनको आगे SST से कैरियर बनाना है, 10th के बाद SST चाहिए, वो कुंद्रा बाबा से ज़रूर पढ़े। थर्ड बुक है एग्ज़ाम आइडिया। एग्ज़ाम आइडिया से आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं कि अगर आपके पास कम टाइम और मार्क्स अच्छे चाहिए तो एग्ज़ाम आइडिया ज़रूर अपनाना। अब हम आते हैं इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश में जिन बच्चों को पास होना है सिर्फ NCERT पढ़िए और सपोर्ट मटेरियल कीजिए। सपोर्ट मटेरियल अगर आपके पास नहीं है तो आपको यूलाइक खरीदना पड़ेगा, और अगर आपका कोई गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा फ्रेंड है तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, उससे सपोर्ट मटेरियल ले सकते हैं और फोटोस्टेट करवा लीजिए। हम उन बच्चों के लिए आते हैं जिन बच्चों को 100 out of 100 मार्क्स चाहिए होते हैं इंग्लिश में, तो NCERT तो बेटा आपके लिए भी है। सेकंड बुक है यूलाइक। यूलाइक बहुत अच्छी बुक है। यूलाइक में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आंसर पैसेजेस होते हैं और ग्रामर भी दी होती है, तो आपको ग्रामर की भी बुक अलग से खरीदनी नहीं पड़ेगी अगर आप उससे पढ़ते हैं तो। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।